सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपके बीच में आया हूं। अभी आपने देखा कि भाजपा सामंतवादी पार्टी है, मनुवादी पार्टी है, और वह असहाय, कमजोर, हक वंचित और कमेरा समाज का हक मारने में भी बहुत आगे है। भाजपा संविधान बदलना चाहती है, भाजपा निजीकरण कर रही है, भाजपा नहीं चाहती है कि कोई भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी जी सके, बड़ा अफसर बन जाए और ज्ञानवान बन जाए। इस देश में इस समय बहुत ही बहुजनों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और उनको फिर पुनः गुलाम बनाने की तरफ बीजेपी जा रही है, आरएसएस की नीति जा रही है। ऐसी स्थिति में हम जैसे बहुत सारे लोग कयास लगाते रहते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बहुजनों को एक साथ आना चाहिए। बहुजन एक साथ आ जाते हैं लेकिन बहुजनों के नेता अलग अलग बने रहते हैं और हमारा वोट बढ़ जाता है और फिर यहां सामंतवादी मनुवादी लोग जीत जाते हैं। अभी बिहार में एक नया गेम हुआ, वो गेम बड़ा अच्छा खास तौर से उन लोगों को लगा होगा जो हक वंचित, असहाय, कमजोर और कमेरा समाज के साथ जुड़े हैं और बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हैं। बीजेपी के लोगों ने विधायक खरीदे लेकिन बिहार के विधायकों ने मुख्यमंत्री को खरीद लिया, अर्थात समान विचारधारा के लोग साथ खड़े हो गए और देखिए वहां सरकार बदल गई। मैं चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत मंशा है, क्योंकि मैं बहुजन समाज की रोटी खाता हूं, बहुजन समाज के हित के लिए संघर्ष करता हूं, मेरी इच्छा है, मेरी मनसा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो। इसके लिए बहुजन समाज कभी बटा नहीं था, उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज एकजुट है, विचारधारा के साथ खड़ा है, यहां नेता बटे हुए थे। मैं उम्मीद करूंगा कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो एससी ओबीसी माइनॉरिटी बिलोंग करते हैं, वो लोग बिहार के तेजस्वी और नीतीश सरकार के गठबंधन से शिक्षा लेंगे और साथ साथ खड़े हो जाएंगे। अगर वो साथ साथ खड़े हो गए तो मुझे विश्वास है कि हम संविधान विरोधी लोगों को, आरक्षण विरोधी लोगों को, जातिवादी मनवादी लोगों को, सामंतवादी लोगों को सत्ता से बेदखल उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, निवेदन करता हूं बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कि आप बड़ा हृदय दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए, माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा हृदय दिखाइए और छोटे छोटे तमाम समान विचारधारा के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने अभिमान को, घमंड को एक तरफ उतार कर रख दीजिए, संविधान को बचाने के लिए, निजीकरण को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, बहुजनों को लाठी डंडे से बचाने के लिए एक बार फिर साथ साथ आ जाइए और हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे इन संविधान विरोधी लोगों को, देश विरोधी लोगों को और जातिवादी मनवादी लोगों को भगाने का काम करेंगे। आज मैं बहुत दुखी हूं, पीड़ित हूं, इसलिए ये मेरे मन से उद्गार निकल रहा है, क्योंकि छोटे स्तर पर चाहे जितनी मैत्री हम कर लें, चाहे जितना हम और बहुत सारे काम कर लें, लेकिन जब चुनाव आता है तो मेरे नेता अलग अलग खेमे में बढ़ जाते हैं, अर्थात वोट भी थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं और कम संख्या के लोग यहां शासक बन जाते हैं, देश पर कब्जा कर लेते हैं। और ये बहुत संख्यक आबादी, 120 करोड़ की आबादी पर जुर्म होते रहते, अपमान होता रहता है, बेइज्जती होती रहती, कभी मूछों के लिए मारा जाता है, कभी घड़े में पानी पीने के लिए मारा जाता है, कभी जाति का नाम लेकर के दुत्कारा जाता है, ऐसी स्थिति से वो गुजर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, सरकार बने या न बने, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सुरक्षा मिली हुई है, उनके पास बजट है, एक क्रेज है उनका, एक रुतबा है उनका, उनके नजदीक कोई सामंती नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो आनंद की जिंदगी जीते हैं, चाहे सत्ता में रहें और चाहे सत्ता के बाहर रहें। लेकिन जो आम आदमी है, जो आपके साथ जुड़ा है, जिसकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं, वह है कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, दुखी होता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ऐसा माहौल बनाया जाए
कि जातिवाद खत्म किया जाए, वर्गवाद खत्म किया जाए, संगठनवाद खत्म किया जाए, पार्टीवाद खत्म किया जाए, और जो हक वंचित असहाय कमजोर लोगों की विचारधारा है, समता मूलक समाज की स्थापना, उस विचारधारा के लिए सब लोग साथ चल पड़े। तो मुझे उम्मीद है, मैं ये निवेदन आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप बामसे पाठशाला के लोग हैं, आप हक वंचित असहाय समाज की नुमाइंदगी करते हैं। मैं संघियों से यह अपेक्षा नहीं कर सकता हूं कि वो देश को बचाएं, संविधान को बचाएं, आप ऐसा कर सकते हैं और आपने करके दिखाया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि बड़ा हृदय दिखाएं और सब लोगों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएं, भारत सरकार बनाएं, और नरेंद्र मोदी को हटाकर एक नया प्रधानमंत्री आप देने का काम करें, तभी संविधान बच सकता है, देश बच सकता है, और जातिगत दुराव के माध्यम से जो हमले हो रहे हैं, जो अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बहुसंख्यक को भूखों मारा जा रहा है, ये खत्म हो सकता है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।